बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। आज मैं बनाना सिखाऊँगी टेंडे और चिकन। टेंडे और चिकन किस तरह और किस तरीके से बनेगा ये जानेंगे, इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को कोई पार्ट स्किप मत करें। तो चलते हैं वीडियो की जानेब। ये चिकन मैंने 1.5 किलो लिया है, इसे मैंने अच्छी तरह साफ करके धो लिया है। ये देसी टेंडे 1 किलो। अब मैंने टेंडों को छीलकर अच्छी तरह पानी में धो लिया है। एक बड़े साइज़ का प्याज, टमाटर 3 अदद, लाल मिर्च पाउडर 3 खाने के चम्मच, हल्दी पाउडर 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच और इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच नमक भी शामिल किया है। धनिया की पत्तियाँ गार्निश के लिए। अब मैंने कढ़ाई में 1 कप ऑयल शामिल किया है। अब मैं प्याज शामिल करूंगी और प्याज को फ्राई करूंगी। प्याज फ्राई हो चुके हैं, अब मैं चिकन शामिल करूंगी। चिकन फ्राई हो चुका है, अब मैं लाल मिर्च पाउडर शामिल करूंगी, इसे अच्छी तरह मिक्स करूंगी। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, वीडियो स्किप मत किया करें। अब मैं टमाटर शामिल करूंगी। अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल किया है। अब मैं हल्दी पाउडर शामिल करूंगी। अब मैं धनिया पाउडर शामिल करूंगी। चिकन भून चुका है, अब मैं टेंडे शामिल करूंगी। ये मैंने टेंडे शामिल किए हैं। अब हमारे चिकन टेंडे तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे जीरे से गार्निश करूंगी। अब मैं प्लेट में सर्व करके आपको दिखाऊंगी। माशाल्लाह से हमारे चिकन टेंडे तैयार हो गए हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और आखिर में जो वीडियो को ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।